बशीर एंड आई वेलकम यू टू गोहर पब्लिशर्स मोटर इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सिस फॉर कंसेप्टल लर्निंग डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम गोहर क्रेज इंग्लिश एज फाइव प्लस का पेज नंबर फिफ्टी एट और फिफ्टी नाइन करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है माई एंड योर यानी यूज ऑफ माई एंड यूज ऑफ योर तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ ओके okay, स्टूडेंट्स तो यह पेज नंबर फिफ्टी एट और हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ माय एंड योर माय आपने अपनी किसी चीज़ के लिए यूज़ करना होता है यानी आप जब आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं या अपनी किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं या किस चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं तो आपने माय का वर्ड यूज़ करना है लाइक माय नेम इज़ नबीला राइट एंड योर आपने तब यूज़ करना है जब आप किसी नेक्स्ट पर्सन के बारे में या उसकी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या रेफरेंस दे रहे हैं लाइक योर ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल यानी आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं क्योंकि फ्रेंड के लिए या सामने वाले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यू यू आर माई फ्रेंड योर ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल ठीक है अब हम देखते हैं कि बुक पे हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल्स हैं दिस इज़ माई बैग ठीक है दिस इज माई बैग क्योंकि मैं अपने बैग के बारे में बात कर रही हूं दैट इज योर पैन दैट इज दैट इज योर पैन यानी हम अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि ये पेन आपका है दैट इज योर पैन राइट दिस इज माई की दिस इज माई की एंड दैट इज योर बैल यानी हम किसी को जो भी हमारे सामने है या हमारा फ्रेंड है हम उसको ये कह रहे हैं कि ये आपकी बैल है दैट इज योर बैल एंड द नेक्स्ट इज दिस इज माई बॉल दिस इज माई बॉल दिस इज माई बॉल ओके सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज योर बैट दैट इज योर बैट ठीक है योर बैट यानी आपका किसी का जो आपके सामने है या जिससे आप बात कर रहे हैं दैट इज योर बैट नेक्स्ट वन है दिस इज माई कंप्यूटर दिस इज माई कंप्यूटर एंड दैट इज योर बुक दैट इज योर बुक चलिए इन सेंटेंसेस को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ठीक है द फर्स्ट वन इज दिस इज माई बैग दैट इज योर फैन दिस इज माई खी दैट इज योर बाउ दिस इज माई बॉल एंड दैट इज योर बैट दिस इज माई कंप्यूटर दैट इज योर बुक चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ओके स्टूडेंट्स अब हम आगे हैं पेज फिफ्टी नाइन पे और ये है हमारा एक्टिविटी पेज लुक एट दिक्चर्स एंड चेक द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं ठीक है थीके? उनके सामने एक सेंटेंस गिवन है और उनके साथ टू टू ऑप्शंस हैं आपने क्या करना है माए और योर में से करेक्ट आंसर को चेक करना है फर्स्ट आपके लिए उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया है जैसे ये देखिए दिस इज माई पेंसिल ठीक है दिस इज माई पेंसिल दैट इज योर फोन दैट इज योर फोन अब हम आगे हैं अब हम आगे हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे सो द फर्स्ट वन इज दिस इज माई हाउस और योर हाउस अब ये देखें कि बॉय जो है वो हाउस के साथ खड़ा है या स्कूल के साथ हाउस के साथ खड़ा है तो ये बॉय कह रहा है दिस इज माई हाउस दैट्स राइट हम लिखेंगे दिस इज माई को टिक करेंगे माई हाउस दिस इज माई हाउस ठीक है दिस इज माई हाउस द नेक्स्ट इज दैट इज माई और योर स्कूल क्योंकि उसकी फ्रेंड सामने है और वो स्कूल के पास खड़ी है तो हम उसको कह रहे हैं दैट इज योर स्कूल तो हमने किसको टिक करना है योर को टिक करना है सो देंटेंस इज दैट इज योर स्कूल दैट इज योर स्कूल हम्म अब ये देखें द गर्ल इज स्टैंडिंग विद अ हैट दैट मीन्स दिस हैट बिलोंग्स टू द गर्ल ठीक है सो दिस इज माई हैट और योर हैट आप बताएं माई हैट द गर्ल इज सेंग दिस इज माए हैट ठीक है हमने माए को टिक किया बिकॉज दिस इज गर्ल्स हैट राइट अब आप ये देखिए द बॉय इज योर को टिक करना है. That is your desk. है ठीक इस तरह से आपने इस पेज को कंप्लीट कर लेना है जी तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यूज ऑफ माई एंड योर कितना ईजी था हमने सेंटेंसेस की हेल्प से उसका यूज सीखा है अब आपने क्या करना है आपने इन टू पेजेस को रिवाइज करना है और एक्टिविटी पेज को कंप्लीट कर लेना है यानी जहाँ पे टिक करना है उसको आपने कंप्लीट कर लेना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अल्लाह हाफिज